और अब बात करते हैं फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की। तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंसूर अली शाह का 7 रुकनी बेंच से अलीहदगी का हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसमें कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की हिदायत पर जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाया। वफाकी हुकूमत के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह की दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा से रिश्तेदारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज़ का जायजा लेकर बेंच से अलग होने का फैसला किया। बेंच के दीगर अरकान की दरख्वास्त पर 6 रुकनी नया लाज बेंच तश्कील दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच से अलीहदगी से मुतल्लिक वजूहात पर मुश्तमिल नोट भी शामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि अवामी मफाद के इस केस पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए था, तहफ़ुज़ात के बावजूद केस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा बना।